हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नितिन कुरुसिया भाई संजू। आज मैं आपके लिए पोंचो बना कर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पोंचो बनाई हूँ। देखिए इसमें मैं 3 कलर ऊन का कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर मैं बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है पोंचो। और फ्रेंड्स, ये मैं पोंचो बनाई हूँ 2 से 3 ईयर्स के बेबी के लिए। 2 से 3 ईयर्स की बेबी में ये साइज बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए बहुत ही सुंदर है, मैं डिज़ाइन डाली हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं बनाने के लिए स्टार्ट की हूँ। मैं गले से भी, गले से बनी हुई है। यहाँ से मैं बनाते हुए पूरी बेस में कंप्लीट की हूँ। देखिए कंप्लीट करने के बाद देखिए उनको इस तरह से मैं बांधी हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं देखिए फ्लावर बनाकर यहाँ पर मैं सुई से स्टिच की हूँ। और देखिए इस तरह की मैं लरी लगाई हूँ, बहुत सुंदर लग रही है लरी। यहाँ पर आप किसी भी तरह का फ्लावर बनाकर लगा सकती हैं फ्रेंड्स। ए में 2 से 3 ईयर्स की बेबी के लिए मैं बनाई हुई पोंचो। आप अगर इसे बड़ी बनाना चाहती हैं या फिर छोटी बनाना चाहती हैं तो आप अपने हेल्थ और लंबाई के अकॉर्डिंग बनाएं। जैसे कि आप एक गला में बनाई हूँ, भी गले से मैं स्टार्ट की हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पे पहले ये अगर छोटा बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह से यहाँ तक इतने गले रखेंगे तो आपका ये 6 मंथ से 1 ईयर्स की बेबी के लिए, 1+ की बेबी के लिए बहुत ही अच्छी आएगी ये साइज़ है। देखिए ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न भी आप काउंटिंग कर सकती हैं। जैसे कि इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न में रखी हूँ, दोनों तरफ से 8 पैटर्न है। और देखिए बीच में जो है, देखिए 2 पैटर्न है, इस तरह से सीधी ये बनती जाएगी। तो आप इस तरह से कर लेंगी। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो ये जो गला है भी, इसको आप बढ़ा लेंगी आप अपने गले की साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये बाकी जो वेस्ट है सेम इसी तरह से बनेगी, पर आप अगर बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप इसको और ये जो रो है आप इसको बढ़ा लेंगे। जैसे कि इसमें मैं 12 रो बनाई हूँ, आप इसमें रो जो और जो है बढ़ा लेंगी। उसके बाद ये सेम इसी तरह बनेगी। साइज सिर्फ आपको बढ़ाते हुए जानी है। और अगर यहाँ से आप चैन बढ़ाकर गले बढ़ाएगी तो ये जो हेल्थ के अकॉर्डिंग ये अपने आप ये चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। किस तरह से छोटा बनाना है और किस तरह से बड़ा बनाना है उसके लिए मैंने आपको समझा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। फ्रेंड्स, ये पोंचो मैं 2 से 3 ईयर्स की बेबी के लिए बनाई हूँ। नेक्स्ट जो मैं पोंचो बनाने जा रही हूँ वो 6 मंथ से 1+ की बेबी के लिए मैं पोंचो बनाऊँगी। देखिए इसको मैं साइड करके मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए 3 कलर का उनका कलर कॉम्बिनेशन मिला ली हूँ। और देखिए 11 नंबर के मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। आप अपने पसंद से ऊन का कलर कॉम्बिनेशन मिला लें, उसके बाद ये पोंचो बनाना स्टार्ट करें। और देखिए ये ऊन जो है, देखिए 2 प्लाई का ऊन है, इसको मैं डबल कर ली हूँ। आप इसे 4 प्लाई में बना सकती हैं बहुत आसानी से। तो पहले मैं देखिए मेहंदी कलर का ऊन जो है ये मैं इससे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए पहले मैं मेहंदी कलर से बनाऊँगी। देखिए इस तरह से पहले मैं गांठ लगा लूँगी, और गांठ लगाने के बाद मैं 100 चैन बनाऊँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए इस तरह से मैं चैन बना रही हूँ। ये चैन देखिए नहीं ज़्यादा मैं ढीली रख रही हूँ, नहीं ज़्यादा कसत रख रही हूँ, नॉर्मल चैन में बना लूँगी 100। देखिए फ्रेंड्स, मैं 100 चैन बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। देखिए यहाँ पे मैं जॉइंट नहीं करूँगी, देखिए मैं अलग तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत आसानी से इस तरह से बना लेंगी आप। जैसे कभी कभी चैन जो है कम जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, फिर से दोबारा खोलना पड़ता है, तो इसलिए मैं देखिए अलग तरीके में बता रही हूँ। देखिए अब मैं देखिए डबल क्रोशिया, फर्स्ट सेकेंड चैन छोड़कर 3rd चैन में क्रोशिया डालूँगी। और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई है। देखिए एक चैन वाला और एक ये, इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी दोबारा और डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद में देखिए डबल क्रोशिया, फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर 3rd चैन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर मैं दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 1 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद में देखिए
फर्स्ट सेकेंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी और थ्री डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसमें। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे बनाई हूँ, 1 2 3। देखिए इस तरह से बन रही, सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी यहाँ तक मैं 15 पैटर्न में बनाऊँगी। देखिए जैसे कि ये जो पैटर्न बना रही हूँ, देखिए फ्रेंड सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरे 15 पैटर्न में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी और यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद मैं 1 चैन बनाऊँगी यहाँ पे। इसके बाद दोबारा देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद जिस तरह से मैं यहाँ से मैं यहाँ तक 15 पैटर्न बनाई थी, सेम उसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी मैं पूरे 15 पैटर्न, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स ये साइड भी मैं पूरी 15 पैटर्न यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए 1 चैन में 2 पैटर्न में बनाई थी, सेम उसी तरह यहाँ पे बनाऊँगी। देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3 और 1 चैन बनाऊँगी। दोबारा मैं देखिए इसी जगह क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी चैन बच गई है, बच गई थी इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चैन मेरी कम जाती है तो ये पूरी खोलने पड़ती, खोलकर दोबारा फिर से चैन बनानी पड़ती मुझे। देखिए इसको मैं क्या करती हूँ, इसे मैं यहाँ पे खोल लूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे मैं इसमें ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए पहले मैं इसे ज्वाइंट कर लूँगी, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया और ये देखिए ये जो है यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है, इसे बार बार गले जो है समझ में नहीं आती है, एक दो चैन भी घट जाती है तो इसे दोबारा खोलनी पड़ती है चैन बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चैन बना लेंगी और इस तरह से आप ज्वाइंट कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीक़ा से बन जाएगी ये। देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट करके यहाँ पर गांठ लगा लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। अब मैं देखिए इसको गले की शेप में बताती हूँ। देखिए इस तरह से गले की शेप, देखिए इस तरह से बनेगी भी गले की शेप। देखिए इस तरह से आएगी। हमें देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब मैं सेकंड रो बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 3। देखिए डबल क्रोशिया इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2। देखिए एक चैन वाला और 2 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोबारा मैं देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी, देखिए ये जो गैप है, और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। देखिए इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2
3। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए 2 पैटर्न बनाई हूँ, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 पैटर्न बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए मैं और यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2, 3 और 1 चैन बनाऊँगी यहाँ पे। देखिए इस तरह से दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर कुछ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2, 3। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह ये सीधी बनती जाएगी और जैसे कि मैं फर्स्ट रो बनाई हूँ सेम इसी तरह से रो बनती जाएगी हर रो में। देखिए फ्रेंड्स सेम इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी और जैसे मैं फर्स्ट रो में बनाई थी सेम उसी तरह सेकंड रो में बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 चैन बनाऊंगी, दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर कुछ डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से और यहाँ पे मैं जॉइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए फर्स्ट और सेकंड रो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में बना ली हूँ। सेम इसी तरह से मैं थर्ड रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी और फोर्थ रो में मैं कलर चेंज करूँगी उनका। देखिए यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊँगी और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं थर्ड रो भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ और देखिए लास्ट में यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करूँगी। देखिए वाइट कलर का ऊन लूँगी और यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाकर मैं ज्वाइंट कर लूँगी। और देखिए ये जो ऊन है मेहंदी कलर का इसको मैं कट करके साइड कर लूँगी और देखिए इसमें अच्छी तरह से इसे गांठ लगा लूँगी ताकि ये खुलना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊँगी, 1, 2, 3 और देखिए इसी जगह पे कुछ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2। देखिए 1 चैन वाली है और 2 डबल क्रोशिया बना ली, इसमें 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी और इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2, 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद में दोबारा देखिए यहाँ पे कुछ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी और सेम इसी तरह से वाइट कलर से मैं पूरी 3 रो बनाऊँगी जैसे कि मैं मेहंदी कलर से बनाई हूँ। देखिए सिर्फ इसमें इतनी ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए 1 चैन बनाकर मैं गैप दे रही हूँ, यहाँ पर 2 पैटर्न बनानी है जैसे कि मैं पैटर्न बना रही हूँ। देखिए 1 और 2 इस तरह से ट्रेंगल की तरह ये शेप बनती जाएगी, इस तरह से बड़ी बनती जाएगी जैसे कि मैं देखिए इसमें बनाई हूँ। देखिए इस तरह से शेप जो है बनती गई है। सेम इसी तरह बना लूँगी, देखिए यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट करूँगी इसमें। देखिए ये 3 पैटर्न बनाई हूँ, देखिए 3 रो। इस तरह से मैं पूरी 9 रो कंप्लीट कर लूँगी इसमें। 9 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट कलर से 3 रो मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। लास्ट में देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी और ज्वाइन करके मैं ये ऊन को मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। सेम इसी तरह से बनती जाएगी। यहाँ पे मैं अब दूसरा कलर ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी। और इसे इस तरह से गांठ लगा लूँगी और गांठ लगाकर यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए वाइट कलर है और ये दोनों को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ लगा लूँगी ताकि ये खुलने नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3। देखिए डबल क्रोशिया इसी जगह पर कुछ डालूँगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2। देखिए 1 चैन वाली और 2 डबल क्रोशिया बनाई हुई है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रहे हैं। देखिए ये 3 कलर का उनका कलर कॉम्बिनेशन बनाई थी। देखिए तीनों कलर बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप ये 3 कलर में बना सकती हैं या फिर आप अपने पसंद से उनका कलर कॉम्बिनेशन मिला कर बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी लगेगी। सेम इसे भी मैं 3 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं 3 रो कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा कर ऊन को मैं कट करके साइड कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मेहंदी कलर का ऊन ज्वाइन करूँगी। ये जो कलर है यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से गांठ लगा कर मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद 1, 2, 3 चैन बनाऊंगी और देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी। इसी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा मैं देखिए इसी जगह क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स ये जो है ऊपर की बेस जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये बन गई है जैसे कि मैं देखिए पोंचो बनाई हूँ। मैं देखिए ए वाली जो बेस है ये बन गई है। अब मैं जो है ये नीचे की बेस बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए बाजू का शेप निकालूँ। सेम उसी तरह यहाँ पे मैं बाजू का शेप निकाल लूँगी। देखिए ये जो पैटर्न है इसको मैं काउंट करके बाजू का शेप निकालूँगी। देखिए 1 पैटर्न यहाँ पर है और देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक मैं बाजू का ये शेप निकालूंगी। बहुत अच्छी आएगी बाजू का शेप यहाँ पे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न फ्रंट साइड से और 5 पैटर्न बैक साइड से। 10 पैटर्न हो गई है और एक यहाँ पे देखिए 11 पैटर्न मैं यहाँ पे रखूँगी और बाकी जो है इस तरह से बुनती जाऊँगी मैं। देखिए यहाँ पर पुश डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट की थी मेहंदी कलर से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैटर्न मैं बनाई हूँ और यहाँ पे मैं 5 पैटर्न छोड़ दी हूँ। देखिए आप जब बाजू का शेप निकालते हैं तो ये पहले चीज़ ये जो है ये दोनों सामने यहाँ पे इस तरह से बराबर करेंगे। ये दोनों इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद जो देखिए इस तरह से करके आप काउंट करके बराबर करेंगी।
देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न मैं छोड़ दी हूँ और देखिए यहाँ पर मैं 7 पैटर्न बनाई हूँ। अब जो है देखिए यहाँ से सेम बैक साइड से यहाँ पे मैं कुछ डाल लूँगी। देखिए यहाँ पे भी 5 पैटर्न मैं छोड़ूंगी बैक साइड से 1 2 3 4 5 और ये देखिए बीच में है, तो यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और यहाँ पे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी 1 2 3। देखिए इस तरह से बंद हो गई है, देखिए बाजू का ये शेप निकल गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डालूँगी इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, जैसे कि मैं देखिए 7 पैटर्न यहाँ पे बनाई हूँ सेम उसी तरह से यहाँ से मैं यहाँ तक पूरी 7 पैटर्न में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 पैटर्न में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से इसके बाद 1 चैन बनाऊँगी, दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से इसके बाद सेम इसी तरह से जैसे मैं एक साइड की हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड में मैं करूँगी। यहाँ से मैं पूरी 7 पैटर्न कंप्लीट करूँगी और 5 पैटर्न छोड़कर जैसे इसमें मैं ज्वाइन की हूँ सेम उसी तरह यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी मैं 7 पैटर्न में कंप्लीट की हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए 5 पैटर्न में यहाँ पर मैं छोड़ दी हूँ सेम उसी तरह से जैसे मैं दूसरी साइड बनाई थी। देखिए 1 2 3 4 5 छोड़कर मैं यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से क्रोशिया इस तरह से नहीं डालूँगी अंदर की ओर से, ये बाहर की ओर से इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से जॉइंट हो गई है, यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 1 2 3 इसके बाद यहाँ पे बनाऊँगी 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन रही है, सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो में पूरी कंप्लीट कर ली, सेकंड रो भी सेम उसी तरह से बना रही हूँ मैं, सिर्फ इसमें सेकंड रो में यहाँ पे 1 पैटर्न जो है इस तरह से बढ़ेगी। देखिए ये जो यहाँ पे कुछ डालूँगी ये जो बाजू का शेप में बनाई थी यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी 1 2 3। देखिए इस तरह से इसके बाद यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से इसी तरह से पूरी राउंड में कंप्लीट कर लूँगी बनाते हुए और जैसे मैं ये साइड बना रही हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगी। देखिए बाजू के पास और फ्रेंड्स सेम इसी तरह से जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से मैं देखिए मेहंदी कलर उसके बाद वाइट इस तरह से मैं 3 कलर में 3 रो में बनाई हूँ पूरी ये 9 रो। सेम उसी तरह से यहाँ से पूरी 9 रो कम्प्लीट कर लूँगी, जैसे कि देखिए मेहंदी कलर से 3 रो बनाऊंगी उसके बाद वाइट कलर से बनाऊंगी। इस तरह से बनाते हुए पूरी ये कंप्लीट कर लूँगी मैं, पूरी 9 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ इसी तरह से बनती जाएगी, सिर्फ कलर चेंज करनी है। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके कीजिएगा बनाइएगा। और फ्रेंड्स जिसे नहीं भी आती है कुर्सियाँ चलाने पोंचो वगैरह बनाने, देखने में आपको टफ़ लगती है कि पोंचो बहुत ही टफ़ है बनाने, बहुत ही भार पड़ रहा होगा, पर वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप इसे ट्राई करें बनाएं, बनाएंगे बहुत आसानी से आपको बन जाएगी। बनाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकती हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स
पूरी मैं यहाँ से पूरी 9 रो कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी और यहाँ पे मैं इस तरह से गांठ लगा कर ऊन को मैं कट करके साइड कर लूँगी। इसके बाद मैं देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन गई है। देखिए यहाँ से पूरे 9 रो में ये ऊपर की बेस में बनाई थी, यहाँ पे बाजू आएगी और देखिए नीचे भी मैं पूरे 9 रो कंप्लीट की हूँ। देखिए 3-3 रो में पूरे कंप्लीट कर ली हूँ। ये मैं 6 मंथ से 1 ईयर्स की बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इससे बड़ी नहीं बनाऊँगी, मैं इतनी पर अब इसको मैं छोड़ दूँगी। अब मैं देखिए पहले गले बनाऊँगी उसके बाद मैं ऊन जो है कट करके यहाँ पर मैं बांधूँगी। पहले मैं गले बनाऊँगी, देखिए किस तरह से गले बनती हैं। देखिए मेहंदी कलर का ऊन ली हूँ, इसके लिए मैं 11 नंबर का क्रोशिया नहीं यूज करूँगी, अब मैं यहाँ पे 12 नंबर के क्रोशिया यूज करूँगी। देखिए मैं 12 नंबर के क्रोशिया ली हूँ और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी। देखिए यहाँ पे इसके बाद मैं इस तरह से गांठ लगा लूँगी। बाद 1, 2, 3 चेन बनाऊँगी और देखिए डबल क्रोशिया इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। दोबारा मैं देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं देखिए सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2, 3 देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से इसके बाद मैं दोबारा इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2, 3 और देखिए यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर रही हूँ और इसी जगह पे क्रोशिया डालकर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाकर फिर देखिए नेक्स्ट जो लुक है इसमें मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी, 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से इसके बाद देखिए ये जो लुक दिख रही है यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करूँगी। देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी गले जो है कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। मैं कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पूरे राउंड मैं कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊँगी, इसके बाद में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से इसके बाद इस तरह से गांठ लगाकर ये ऊन को मैं कट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये गला मैं कंप्लीट कर ली हूँ। गले कंप्लीट करने के बाद में देखिए इस तरह से मैं ऊन कट करके इसमें इस तरह से देखिए बांधी हूँ। देखिए पूरी राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 1-2 पीस में नहीं बांधी हूँ, 2 पीस में बांध के आपको दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से ऊन कट करके इसमें बांधना है। इसके लिए मैं देखिए इस तरह की मैं कोट लूँगी और देखिए ये जो ऊन है इसमें इस तरह से लपेटूँगी। देखिए इस तरह से लपेट करके उसके बाद मैं कट करूँगी। इस तरह से लपेटने से ऊन जो है सारे ऊन एक साइज के कट होगी, ऐसे छोटा बड़ा कट हो जाती है। इस तरह से एक साइज की सारे ऊन इस तरह से कट होगी। देखिए देखिए इस तरह से मैंने लपेट लूँगी। लपेटने के बाद मैं इस तरह से यहाँ से मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से कट कर लूँगी। इसमें से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसेस में इस तरह से
इस तरह से लेंगे। देखिए एट पीस मैं ली हूँ, इसके बाद मैं कुर्सी के सहारे में इसे फंसा के मैं बांध लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं कुर्सी डालूँगी, देखिए बैक साइड से, और इस तरह से मैं, देखिए इस तरह से मैं इसे फंसा के मैं गांठ लगा लूँगी। आप इसको, ये जो मैं धागे जो बांध रही हूँ, आप इसे लंबी रखना चाहती हैं तो आप इसे लंबी भी रख सकती हैं। मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, छोटी बेबी के लिए, इसलिए मैं छोटा इसको मैं रखी हूँ। देखिए इस तरह से मैं टाइट कर लूँगी इसको, देखिए इस तरह से बन गई है। सेम इसी तरह से मैं एट पीस में दोबारा फिर लूँगी। देखिए 1 2, देखिए डबल धागे हैं, इसको मैं 1 काउंटिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 पीस लिए मैं, इसको मैं इस तरह से डबल कर लूँगी, और डबल करके यहाँ पे मैं कुछ डालूँगी इस तरह से मैं फंसा के। देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर से मैं, देखिए इस तरह से फंसाई हूँ, इसके बाद इसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से ये दोनों को पकड़ के इस तरह से टाइट कर लूँगी मैं। देखिए इस तरह से बन गई है, सेम इसी तरह से मैं पूरी राउंड बांध ली हूँ। देखिए कंप्लीट हो गई है, देखिए इस तरह से। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए ये इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग में इसको मैं बांधी हूँ। अगर आप इसको बड़ी बनाती हैं तो ये जो ऊन है इसकी लंबाई थोड़ी सी और आप रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगी। ये मैं छोटा सा बनाई हूँ तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रखी हूँ। देखिए यहाँ पे आप मेहंदी कलर के भी लगा सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेम कलर, यहाँ पे मैं ऊन लगाई हूँ, आप यहाँ पे मेहंदी कलर भी लगा सकती हैं तो उसमें भी अच्छी लगेगी। देखिए इस तरह से बन गई है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं देखिए इसको इस तरह से बराबर करूँगी, और हल्की सी आपको कहीं कहीं बड़ी छोटी ऊन जो लग रही है इसको आप इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इसको कट करके आप बराबर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऊन को मैं कट करके देखिए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लें बांध कर। देखिए बैक साइड है, और ये देखिए फ्रंट साइड, दोनों तरफ से मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। अगर आप फ्लावर इसमें नहीं लगाते हैं आप तो इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। इसमें उल्टा सीधा कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको दोनों तरफ से देखिए यूज कर सकती हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर बनाकर लगाऊंगी, आप यहाँ पर फ्लावर लगा सकती हैं या फिर इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, मैं यहाँ पे फ्लावर बनाकर सुई से स्टिच करूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये मैं फ्लावर बनाकर मैं पहले से रखी हूँ। ये फ्लावर किस तरह से बनती है इसकी वीडियो मैं यूट्यूब में मैं अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं फ्लावर किस तरह से बनती है। और देखिए ये मैं लरी बनाई हूँ, देखिए इस तरह की, देखिए इस तरह की मैं लरी बनाई हूँ। देखिए 2 पीस में बनाई हूँ, 1 पीस और मैं बनाऊंगी, जैसे कि इसमें 3 कलर उनका कलर कॉम्बिनेशन मिला के बनाई हूँ, सेम उसी तरह इसमें मैं 3 लरी बनाऊंगी। देखिए 2 पीस में बना ली हूँ। देखिए वाइट कलर का ऊन लूँगी, और देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। देखिए 2 पीस में लरी बना ली हूँ, वाइट कलर का बनाऊँगी जिससे मैं बीच में रखूँगी इस तरह से। ये जो मैं लरी बनाई हूँ ये मैं 25 चैन की लरी बनाई हूँ, देखिए इतनी लंबी बनी हुई है। और वाइट कलर का जो लरी बनाऊंगी वो मैं 32 चैन की लरी बनाऊंगी, क्योंकि बीच में जो है इसको थोड़ा सा लंबी में रखेंगे। तो इस तरह से मैं चैन बनाऊंगी, इसमें मैं 32 चैन बना लूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए फ्रेंड्स मैं 32 चैन में बना लूँ। देखिए इतनी लंबी मैं चैन बनाई हूँ, और इस तरह से राउंड राउंड देखिए इस तरह से बनती जाएगी। देखिए इसके बाद में फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड चैन में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा मैं इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं देखिए दोबारा मैं इसी
ज़्यादा क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं सेकंड चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाई, सेम उसी तरह से मैं देखिए थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। देखिए फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। कि फिफ्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से राउंड राउंड घूमना स्टार्ट हो गई है। सेम इसी तरह से सारे चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम इसी तरह से देखिए राउंड राउंड ये देखिए घूमती जाएगी, देखिए इस तरह से बनती जाएगी। देखिए सारे चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, जैसे कि मैं फर्स्ट चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, सेम उसी तरह से मैं सारे चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी। सेम इसी तरह से बनाकर मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, बन रही है। देखिए फ्रेंड्स सेम उसी तरह से बनाते हुए मैं देखिए कंप्लीट कर लूँ। देखिए इस तरह से राउंड राउंड बनती गई है, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 1 2 चेन बनाऊंगी और ये जो ऊन है इसको मैं कट कर लूँगी, देखिए इस तरह से। देखिए 2 जो पीस है छोटा मैं बनाई हूँ और देखिए 1 मैं बड़ा बनाई हूँ, देखिए इस तरह से आएगी है। इस तरह से पहले मैं फ्लावर में स्टिच करूँगी, इसे मैं देखिए फ्लावर में स्टिच करूँगी, उसके बाद में इसमें स्टिच करूँगी। इसे मैं यहाँ पे स्टिच करूंगी फ्लावर में, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से स्टिच कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मैं फ्लावर बनाकर सुई से स्टिच कर ली हूँ, पोंचो ये कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है पोंचो, देखिए बैक साइड है ये फ्रंट साइड है। फ्रेंड्स ये जो मैं पोंचो बनाई हूँ ये मैं 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी के लिए मैं पोंचो बनाई हूँ। 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी की बहुत ही अच्छी आएगी ये साइज। और देखिए ये जो मैं पोंचो बनाई हूँ ये मैं 2 से 3 ईयर्स की बेबी के लिए पोंचो बनाई हूँ, देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए दोनों में अलग अलग साइज बनाई हूँ और दोनों का कलर में अलग अलग की हूँ, डिजाइन जो है सेम डिजाइन में बनाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको देखने में लग रही होगी बहुत टफ है, इसमें बहुत मेहनत होगी, पर आप स्टार्ट करेंगी तो कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत आसानी से बन जाएगी डिजाइन आप। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई करें बनाएं, और बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।